छत्तीसगढ़ी समुदाय के लिए खुशखबर है। मनपा द्वारा छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक महोत्सव के लिए 48,40,000 रुपए खर्च को मनपा स्थायी समिति ने मंजूरी दी है। रोजगार की तलाश में छत्तीसगढ़ से स्थानांतरित होकर हजारों परिवार नागपुर में बसे हैं। शहर के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले पूर्व नागपुर में छत्तीसगढ़ी समुदाय की जनसंख्या सर्वाधिक है। पहली बार मनपा की ओर से छत्तीसगढ़ी लोक महोत्सव का आयोजन करने के पीछे भविष्य में राजनीतिक लाभ उठाने की सोच मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ी लोक कला का अपना अलग महत्व है। पूर्व नागपुर में बरसों से समुदाय यह आयोजन करता आया है। अब मनपा ने आयोजन करने का निर्णय लिया है। आयोजन पर 48,40,000 रुपए खर्च किया जाएगा। कलाकारों के मानधन पर 18,40,000 रुपए और अन्य मदों पर 20,40,000 रुपए खर्च को स्थायी समिति ने मंजूरी दी है। 3 दिवसीय आयोजन में छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संगीत का मिलाव शहर के नागरिक अनुभव करेंगे। नामचीन कलाकार महोत्सव में प्रस्तुति देंगे। विविध समाज को हित में देखते हुए उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम लिए जाते हैं। इस बार शहर में पहली बार छत्तीसगढ़ी महोत्सव का भी कार्यक्रम हम लोग करने वाले, जिसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी सुपरस्टार्स लोग हैं वह यहाँ पे आके आने वाले हैं। और यहाँ पे एक अच्छा छत्तीसगढ़ी महोत्सव 3 दिन का आयोजन किया हुआ है। नागपुर महानगर पालिका से पहली बार ही यह प्रोग्राम आयोजित किया हुआ है। निश्चित स्वरूप से ये समाज के हित में एक अच्छी शुरुआत नागपुर महानगर पालिका ने इस बार की हुई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।